दोस्तों इतिहास में कई ऐसी दुनिया में जगहें थीं जिन्हें लोक गाथाओं के रूप में सुना करते थे। इन जगहों की कहानियां काफी लोकप्रिय भी थी, लेकिन यह स्थान या कहे तो द्वीप असल दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो आज मैं आपको ऐसी ही कुछ जगहों के बारे में बताऊंगा जिन्हें लोग सैकड़ों सालों से सच समझते आ रहे थे, लेकिन वे जगहें इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 4, थूले। प्राचीन खोजकर्ताओं, रोमांटिक कवियों और नाजी भोगवादियों के लिए आकर्षण का एक जैसा विषय थूले एक मायावी क्षेत्र था जो स्कैंडिनेविया के पास जमे हुए उत्तरी अटलांटिक में माना जाता है कि 4th सेंचुरी में जब यूनानी यात्री पायथेस ने स्कॉटलैंड से परे एक बर्फीले द्वीप की यात्रा करने का दावा किया और बताया कि वहां सूर्य कभी कभी ही निकलता है और जोरदार बर्फीले तूफान व हवाएं लगातार चलती रहती हैं, और ये कहानियां उस टाइम पे काफी लोकप्रिय भी थी। तब शोधकर्ताओं व खोजकर्ताओं ने इसे नॉर्वे, आइसलैंड व शेटलैंड द्वीप के समूह के रूप में विभिन्न रूप से पहचाना। इस आइलैंड का सबसे लोकप्रिय होने का मुख्य कारण थूले सोसाइटी के संबंध में हुआ, जो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी में एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसे थूले का आर्य जाति का पैतृक घर माना जाता है। रूडी हेस भी उसी जगह से आते हैं जो एडोल्फ हिटलर के अंडर डिप्यूटी फ्यूरर के पद पर काम किया। नंबर 3, है ब्राजील। यूरोपियन के दुनिया में कदम रखने से बहुत पहले खोजकर्ताओं ने हाय ब्राजील द्वीप को बहुत खोजा। इस द्वीप की कहानी सबसे अधिक बार कैल्थिक लेजेंड से आती है। इसका नाम गैलिक में आइसले ऑफ द ब्लेस्ट है, लेकिन इसके सटीक मूल स्पष्ट नहीं है। हाय ब्राजील ने पहली बार 14वीं शताब्दी में नक्शे में दिखना शुरू किया, आमतौर पर एक छोटे सर्कुलर आइलैंड के रूप में एक स्ट्रेट द्वारा दो हिस्सों में विभाजित किया। कई मैरिनर्स ने इसे 1800 के दशक तक हाल ही में एक वास्तविक स्थान के रूप में स्वीकार किया, तभी यह मिथकों व लोक गाथाओं के रूप में काफी लोकप्रिय हुआ। कुछ लोग इस द्वीप को स्वर्ग बताते हैं, तो कुछ इसे धुंध में डूबा हुआ द्वीप, और कई लोग तो बताते हैं कि यह द्वीप केवल हर 7 सालों में एक ही दिन दिखाई देता है। नाविक जॉन कैबोट ने 1497 में इस द्वीप को ढूंढने के लिए कई अभियान चलाए। वह बताया कि एक बार वह न्यूफाउंडलैंड के तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा के दौरान उसने हाय ब्राजील को देखा, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। वह कुछ अन्य शोधकर्ताओं व नाविकों ने भी इस बात को माना, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने क्रिस्टोफर कोलंबस से पहले ही अमेरिका की यात्रा की होगी। नंबर 2, सेंट ब्रेंडेंस आइलैंड। सेंट ब्रेंडेंस आइलैंड स्वर्ग का एक रहस्यमय अवतार था जिसे एक बार पूर्वी अटलांटिक ओशियन में कहीं छिपा हुआ माना जाता था। फैंटम इजले का मिथक 1200 साल पुरानी आयरिश लेजेंड समुद्री साधु सेंट ब्रेंडन द नेविगेटर के बारे में नेविगेटियो ब्रेंडेनियोर वोयेग और ब्रेंडन से मिलता है। कहानी कुछ यूं थी कि ब्रेंडन ने प्रसिद्ध प्रोमिस लैंड ऑफ द सेंट की तलाश में 6वीं शताब्दी की यात्रा पर पवित्र नाविकों के दल का नेतृत्व किया। समुद्री यात्रा के कुछ समय बाद कहानी में कुछ दानवों की बात बताई गई जो इन पर हमला कर देते हैं, वे पक्षियों से बात भी करते हैं। फिर भागते भागते सेंट ब्रेंडन और उनके लोग स्वादिष्ट फलों और स्पार्कलिंग जेम से भरे एक धुंध से ढके एक द्वीप पर उतरे। कहा जाता है कि कुछ क्रू मेंबर्स ने आयरलैंड लौटने से पहले द्वीप की खोज में 40 दिन बिताए, लेकिन इस कहानी के सच होने वाले कुछ भी सबूत नहीं है, बस लोगों के बीच यह कहानी लोकप्रिय मानी जाती है। क्रिस्टोफर कोलंबस भी इस कहानी पर विश्वास रखते थे, लेकिन कई खोजकर्ताओं ने इस आयरलैंड को भरपूर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। फिर 18वीं शताब्दी तक आते आते यह कहानी फीकी पड़ गई एंड इस सेंट ब्रेंडेंस आइलैंड को दुनिया के मानचित्र से हटा दिया गया। नंबर 1, द किंगडम ऑफ प्रेस्टर जॉन। 500 से अधिक वर्षों के लिए यूरोपियन लोगों का मानना था कि एक ईसाई राजा अफ्रीकन भारत या सुदूर पूर्व के भागों में कहीं एक विशाल साम्राज्य पर शासन करता है। इस मिथ को सबसे पहले सन 1165 में पॉपुलैरिटी मिली
गई। बाद में बेजेंटाइन एंड पवित्र रोमन सम्राटों को एक पत्र मिला जो एक यूरोपीय जालसाजी थी। उस पत्र में खुद को प्रेस्टर जॉन कहने वाले एक व्यक्ति ने खुद को सुप्रीम रूलर ऑफ दी थ्री इंडीज और अन्य 72 राज्यों का भी सम्राट बताया। उसने अपने दायरे को सोने से भरपूर एक यूटोपिया बताया जो दूध व शहद से भरा हुआ था। कहा जाता है कि चंगेज खान ने 1200 के दशक के प्रारंभ में फारस के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की, तो दूसरी तरफ कई लोगों का मानना है कि ये हमलावर चंगेज खान नहीं बल्कि प्रेस्टर जॉन था। कई खोजकर्ताओं व यात्रियों जैसे मार्को पोलो, वास्को डी गामा ने दुनिया के सुदूर हिस्सों तक यात्रा की, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी साम्राज्य नहीं मिला। एंड 17वीं शताब्दी तक आते आते इस साम्राज्य की कहानियां फीकी पड़ गई और दुनिया के मानचित्र से इस साम्राज्य को हटा दिया गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर ले एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन पर प्रेस कर ले। तो मिलता हूं आपसे अगली ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।